That's it? Yes. मॉस्को शेरोटो SVU एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के अंदर ही इन्होंने कैप्सूल होटल बनाया हुआ है। सो अगर आपकी फ्लाइट में आपको स्टे है लाइक 8 घंटे 10 घंटे, यू हैव टू स्टे हेयर और यू कैन। 500 रूबल हैं 1 घंटे के और 1200 रूबल हैं 3 घंटे के। सो उसमें ब्लैंकेट आपको रेंट पे मिलेगा, USB फ्री, लगेज स्टोरेज, ओके दैट्स ग्रेट यार। मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी फ्री लगेज में, काफ़ी जगह देखा है मैंने, ये अच्छा है, गुड गुड कॉन्सेप्ट। ये देखिए ये अंदर से देखिए नज़ारा, दैट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट। टोटल 99 गेट्स हैं यहाँ पे SVO पे। आपको अपनी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है इजीली। लाइक हमारी फ्लाइट दिस वन एयर इंडिया A1196D7174। सो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पैनिक हो जाते हैं कि नॉर्मली मैं भी हो गया था कि यार कि कोरोना का टेस्ट कहाँ से कराएं वापस आते टाइम, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कि एयरपोर्ट पहुँचो, एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे, और ये सब चेक इन काउंटर एयर इंडिया, सॉरी एयरपोर्ट। तो आप एंटर करते हैं जैसे एयरपोर्ट में लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे कोविड टेस्टिंग होती है और उसका प्राइस 1 घंटे में अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो में दिखाया आपको 3400 कुछ है, और अभी भी मैं दिखा दूँगा। और दो अगर 2.5 घंटे में एयरपोर्ट मिलती है वो 2750 है, ठीक है। और अगर आपको 12 घंटे में चाहिए तो वो 1800 रुपये है। तो आप बाहर भी कराओगे तो 1800 रुपये से कोई आपका कम टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हम 4-5 घंटे तो पहले आते ही हैं, तो आप बहुत थोड़ा पहले आके अपना 1 घंटे का देख लीजिए या 2.5 घंटे का, मैंने 2.5 घंटे का करवाया है। सो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आई थिंक कस्टमर कंट्रोल्ड एरिया, वो सामने इमिग्रेशन काउंटर है, यस इमिग्रेशन है रशिया की। वो सामने जो वीवा लैब आपको दिखाई दे रहा है यही है, यहाँ से एंटर करते हैं। अब देखिए ये सामने जो लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस है यहीं से हम एंटर किए थे, यहाँ से ये टर्मिनल D है
टर्मिनल डी पे ही आपको आना है। यहाँ पे आपका लगेज यहीं चेक हो जाता है, सिक्योरिटी चेक हो जाता है, और ये लैब, दिस इज़ द लैब। बहुत ही स्मूथ वर्किंग है, और एक घंटे का 3500 रुपये है, 3500 रूबल, दो घंटे का 2750, और ढाई घंटे का और 12 घंटे का 1800। तो बहुत अच्छी लैब है, पीछे टू रूम्स है, 5 मिनट भी नहीं लगे हमें, बहुत ही बढ़िया। एक्सप्रेस मनी चेंज का प्राइस अगर आप देखना चाहते हैं, पर नॉट रिकमेंडेड, इससे बढ़िया तो आप ATM से निकलवा लीजिए। एरोफ्लोट ने अपने काउंटर काफ़ी बना रखे हैं यहाँ पे एयर टिकट्स के लिए, और ईजिली आप, अगर आपकी एडवांस प्लानिंग है कि नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने कोई टूर प्लान करना है, तो आप यहाँ पे, और ये देखिए रैपिंग क्वालिटी देखिए यहाँ पे रशिया की, इंटरनेशनल चार्जेस जो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। प्राइस जेन्युइन है, लोकल मार्केट में लोगे वो लोकल होते हैं। ओह, इवन सिम भी है इसमें, ओके। बहुत इजी है इसे यूज़ करना, यहाँ पे नोट डालो, उसे में लिखा हुआ है कि ये देखिए 1000, और यहाँ पे चेंज आ जाएगी, अब इतने भी डालोगे, जो उसका कोड नंबर दिया हुआ है, जैसे 308 है, 306 है, वो डालिए, उसका प्राइस मेंशन है, उतने पैसे डाल दीजिए, बाकी चेंज आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से वो बाहर निकल आएगा। दैट्स इट, वेरी इजी टू यूज़। सो ये है, वो कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं, और ये ऑल अबाउट दैट। सो इट्स ऑल अबाउट मॉस्को SVO एयरपोर्ट टर्मिनल डी। यहाँ से आप आते हैं, और वो मैंने 7 दिन का जो प्लान लिया था वो था आई थिंक अनलिमिटेड डाटा का, 750 रूबल का कुछ था। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप 7 दिन का प्लान अनलिमिटेड 750 में, तो बढ़िया रहा। और यहाँ से एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो एयर इंडिया से आपकी जो फ़्लाइट आती है हमारी इंडिया से, वो वहाँ से दिल्ली से 11:15 पे चलती है रात को, तो हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाते हैं। तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ से कैसे बाय मेट्रो जाना है, बाय बस जाना है, कैसे जो टैक्सी करें, टैक्सी वाले पैसे काफ़ी मांगते हैं। तो उस केस में रफली आपको 5 बजे जाते हैं बाहर आने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जहाँ भी आपने जाना है उसका रूट डाल लीजिए गूगल में, तो वो वहाँ पर आपको बस नंबर आ जाएगा, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, सामने आपको वो मिल जाती हैं। ये देखिए, ये जब आप इंडिया से आते हैं तो ये लगेज आपको यहाँ मिलता है, काउंटर नंबर 5, 6, हमें शायद 6 नंबर पे मिला था, 6 या 8 पे था, तो वो हो जाता है कन्वे। तो ये एक्चुअली अराइवल्स हैं,
यस तो इजीली आपको बस मिल जाती है, टेंशन लेने की वाली ज़रूरत नहीं है। ये एयरपोर्ट की एग्ज़िट है जहाँ पे वो ब्लू बस दिख रही है आपको, इस यहाँ पे बसेस चलती रहती हैं। और टैक्सी लेनी है तो टैक्सी अवेलेबल है, मेट्रो भी है।